श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा के सात दिन के यह अनुष्ठान के ये सातवें दिन के कथा अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, अजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और विशेष रूप में परम पूज्य श्री श्रीमद् श्रीपाद दादा नमन गोस्वामी महाराज जी का सबका हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं, तो हमें संत सत में स्थान मिलता है। बात सही है, जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसीलिए कहते हैं जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। तो आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं, श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा एवं महती कृपा कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का सुअवसर भी प्राप्त हो रहा है, और उन सेवाओं में भी यह मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें मिल रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो की दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, नित्य वंदनीय पूजनीय स्मरणीय है, ऐसे गुरुदेव के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्तवृंदम के चरणों में विशेष रूप में परम पूज्य श्री श्रीमद् श्रीपाद राधा नमन गोस्वामी महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबके चरणों में करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखें कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस कथा के अग्रसर होते हैं, आज के सत्र को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। यह श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का परम धन है, यह श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का प्राण है, यह श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान है, यह श्रीमद् भागवतम परमहंस संहिता है, परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान कृष्णचंद्र के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर हरिद्वार में सुखताल पर आमरण अनशन व्रत परायण परीक्षित महाराज जी को उन भगवान के कथा श्रवण कराते हुए उनके जिज्ञासाओं को पूरा करते हुए उनके मुख्य दो जिज्ञासे उनमें से एक पहला जो था मिर्यमान पुरुष अर्थात जो देहधारी जीव हैं जिसका जन्म हुआ है उनका मृत्यु है,
वो अब से लेकर शरीर त्यागने तक क्या करे। और उन सुंदर प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान के भक्ति का वर्णन करते हैं, कहते हैं कि अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदार दे तीव्रे न भक्ति योगे न यजते पुरुष। चाहे वो देवदारी दीप के अंदर बहुत सारे कामना हो या कोई कामना ना हो, या वे मोक्ष की कामी भी हो, जो भी हो, अब से लेके शरीर त्यागने तक तीव्रे न भक्ति योगे न यजते पुरुष पर। तीव्रे न कर तो है तीव्र भक्ति करे, हल्का फुल्का भक्ति, तन से मन से धन से जल बिन बिन जैसे तड़पती है वैसे भक्तों को, भक्तों के संग भक्ति ना कथा के ना होने पर ऐसे तड़पना चाहिए। कब मिलेगा भक्तों का संग और कब मिलेगा भक्तों के संग में कथा, इस प्रकार से तड़प जो होता है तीव्र भक्ति होता है। तीव्र न भक्ति होगी ना यजते पुरुष पर। और दूसरा प्रश्न जो है उनका है कि ये दुनिया जब बनाया भगवान ने तो ये क्यों बनाया। तो इसी प्रश्न के उत्तर पर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कथा जो है इसी पर जोर देता है कि किस प्रकार से ये देहधारी जीव इस शरीर में तीव्र भक्ति करे। और इस संसार में हम आए हैं तो तीव्र भक्ति करके इस संसार से बाहर जाने के लिए, जैसे स्कूल में बच्चों को डाला जाता है स्कूल से बाहर जाने के लिए, अस्पताल में पेशेंट आते हैं अस्पताल से बाहर जाने के लिए, जेल में कैदी को लाया जाता है सुधार के जेल से बाहर जाने के लिए। इस प्रकार से यह भौतिक जगत जो है भगवान की सृष्टि का एक चौथाई है, और एक प्रकार से वे कारागार है जिसमें हम बद्धजीव आते हैं सुधर के बाहर जाने के लिए। और इस प्रकार से एक के बाद एक हमें शरीर दिया जाता है, पर यह जो शरीर अब हमें मिला है इस शरीर में हमें जो है ऐसा तेज बुद्धि दिया है जिससे कि हम समस्या का समाधान करें, भक्ति करें और भगवान के धाम को प्राप्त करें। तो अजामिल के कथा का एक के बाद एक कथा हम सुनते आ रहे हैं। परीक्षित महाराज जी को एक के बाद एक इन कथाओं को सुनाते हुए ये किस प्रकार से इस संसार का निर्माण हुआ, तो कहते हैं यही प्रश्न जो है नारद मुनि ने अपने गुरुदेव अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी ने कहा यही प्रश्न जो है मैत्र विदुर जी महात्मा ने मैत्र ऋषि महात्मा से पूछा था। तो यही कथा जो है कहते 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 किस प्रकार से जो है ब्रह्मा जी से विदुर जी जो है को जो है मैत्र ऋषि बता रहे हैं कि किस प्रकार से सृष्टि के आरंभ में जो है ब्रह्मा जी आते हैं, फिर ब्रह्मा जी से अनेक 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 चार कुमार रुद्र अनेक संत आते हैं, पर वो परेशान हो जाते हैं कि भाई अब ये पूरा ब्रह्मांड जो है प्रजा से भरना है, पर हर कोई ब्रह्मा जी के हृदय से आते हैं, वो दंड कमंडल और लंगोट लेके भजन में लग जाते हैं। ब्रह्मा जी के इस परेशानी को देखकर ब्रह्मा जी से कहा अब जो सृष्टि का निर्माण करना है, अब आपका जो संतान होगा वो शत्रुपा होगा और स्वयं भूमन, तब से जो है यह सृष्टि का आरंभ होता है, मैथुनी सृष्टि का आरंभ, और तब पूरा ब्रह्मांड जो है स्वयं मनु के संतान का वर्णन आता है। बड़ा अद्भुत विलक्षण में स्वयं मनु शत्रुपा पूरा कृष्ण भावना भावित परिवार है, रोज मंगल आरती जपा ये करते। तो उत्तानपाद राजा का वर्णन आता है, आकुति प्राजुति और देहूति माता का भी वर्णन आता है, और वर्णन आता है प्रियव्रत महाराज का। प्रियव्रत महाराज का जब वर्णन आता है तो कहते हैं कि उनको जब शासन दिया गया तब कहा कि दिन के समय सब भजन करते हैं, रात को सब लोग विश्राम करते हैं, क्यों नहीं ऐसा काम करें कि 24 घंटा सब भजन करें, तो 24 घंटा दिन हो। तो सूर्य के
सूर्य जिस रफ्तार से जिस दिशा पे जाता तो वह ऐसे रथ चलाता कि जिसे कि सूर्य का किरण जो है उस क्षेत्र में पड़े जहाँ पे रात हो रहा है। और उनके शासन में कहते हैं कि 24 घंटा दिन और उनके देखते देखते पूरा प्रजा 24 घंटा भजन में लग गया। पर उनका रथ इतना तेज पूरे पूरे भारतवर्ष में पूरे भूमंडल में चल रहा था तो ये पूरा भूमंडल जो है 7 द्वीप में जो है 7 द्वीप और 7 समुद्र में भर गया था। तो इस प्रकार से ये प्रश्न का उत्तर ब्रह्मांड कैसे बना उसका उत्तर दिया जा रहा है। बस ब्रह्मांड के एक कोने में जो बद्धजीव भगवान का भक्ति ना करते हुए औरों को भक्ति करने नहीं देते उन्हें नरक में डाला जाता है उसका जब वर्णन करते हैं तो परीक्षित जी महाराज जी को थोड़ा सा दुख लगता है। इस संसार से बाहर निकलना बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि इस संसार में हर कोई जो है काम क्रोध और लोभ के चंगुल में है। हे गुरुदेव ऐसा कोई उपाय बताइए कि काम क्रोध से भी कोई बच के निकल पाए। तो कर्मकांड का वर्णन करते हैं इस प्रकार से हर कोई अपने अपने कर्म करने के बाद इस प्रकार से देवी देवता अलग अलग उपासना करके कुंभ मेला में जाके डुबकी लगाए फिर वापस आए उनके पाप नाश हो जाएगा। पर गुरुदेव ये तो कुछ ठीक समझ नहीं आ रहा है, ये तो ऐसा है मानो कि जो हाथी रेत से भरा हुआ शरीर को लेकर जल में जाता है साफ हो जाता है पर फिर वापस मिट्टी में लोटपोट हो जाते हैं। कब करते हैं कुंभ मेला तो कब करते हैं नवरात्रि का व्रत फिर चालू हो जाता है उनका पुराना का। जैसे कृष्ण में वे मंडे से लेकर संडे तक दुनियादारी के काम में लग जाते हैं फिर चर्च में जाके बोलते हैं फादर मैंने गलती किया। फादर बोलते हैं क्या बात है बेटा, तो बोलते मैंने ये गलती किया, मैं जीसस क्राइस्ट को स्मरण करता हूँ अब आपका सारा पाप चला गया जीसस क्राइस्ट ने लिया। तो वो खुश हो जाता है पर वो अपने अंदर की जो प्रवृत्ति है गलती करने का वो रोक नहीं पाता फिर से गलती कर लेता है। तो इस प्रकार से अलग अलग कोई 40 दिन का व्रत रखता है कोई कुंभ मेला में व्रत करता है तो इस प्रकार से कुछ समय के लिए तो सुधर जाते हैं फिर बाद में फिर से वो पुराने कार्य में लग जाते हैं। तो ये तो ऐसा हो गया जैसे कि मानो कि एक हाथी जो है स्नान करके फिर से जो है रेत में लोटपट होता है। ये कुंजर सोच मत हाथी स्नान जैसा हो गया, इससे कुछ फायदा नहीं है। वो नरक से बाहर नहीं निकलेगा, वो नरक में जाएगा आएगा पर ये ब्रह्मांड से बाहर जाओ ऐसा कुछ उपाय नहीं करो। तब बड़ा सुंदर बात बताइए उपासना कांड ज्ञान कांड पर बोलते ये सब चलेगा नहीं, चलेगा क्या? फिर वो बोलते हैं केवला भक्ति, ये भगवान का भक्ति इतना पवित्र है, ये भगवान का भक्ति एक अग्नि की तरह है, ज्ञान के अग्नि की तरह है। जैसे सूखा घास हो उसमें हल्का सा एक चिंगारी लग जाए पूरा सूखा घास का जो पहाड़ है वो जलकर राख हो जाएगा। इस प्रकार से वो पूरा का पूरा जो है पाप तो पूरा जो है भस्म हो जाएगा, पाप करने का जो प्रवृत्ति है वो भी नाश हो जाएगा, यहाँ तक कि इस संसार में जितना भी पाप है उसे भी नाश करने का शक्ति रखता है भक्ति। और तो और जितना भी पाप का फैक्ट्री है उस पाप का फैक्ट्री को नाश करने का शक्ति रखता है भक्ति। कोई प्रमाण गुरुदेव अनेक प्रमाण है किस प्रकार से काम क्रोध लोभ से लोग बच के नर्क पार करके भगवान के धाम गए। बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं ये भक्ति में इतना शक्ति है कि पाप तो पाप
पाप करने का प्रवृत्ति भी नाश और जितने भी पाप करने के फैक्ट्री उसको भी नाश करेगा। और हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि हम जैसे तैसे भी थे, पर प्रभुपाद जी के आयतों की कृपा से, वैष्णव के आयतों की कृपा से हम वही भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं जो प्रहलाद महाराज को प्राप्त हुआ, जो ध्रुव महाराज को प्राप्त हुआ, जो अम्बरीश महाराज को प्राप्त हुआ। ऐसे भक्ति करने का सुंदर अवसर मिल रहा है। और ऐसा भक्ति करते करते जो अजामिल, हम अजामिल का तो कथा अब आएगा, पर अजामिल से भी गए गुजरे जदाई मदाई जैसे पापी जो थे, ऐसे उनसे भी निकृष्ट पापी अमेरिका में पड़े हुए थे, और वो भी 50 साल पहले प्रभुपाद जी अमेरिका गए और ये भक्ति दिए, हरिनाम दिए, भागवत दिए और प्रसाद दिए, और उन हिप्पियों को प्रभुपाद जी ने हैप्पी बना दिया, रूसियों को ऋषि बना दिया, चीनियों को मुनि बना दिया, और जापानीज़ों को जपा में लगा दिया, दुखियों को सुखी में लगा दिया। और इस प्रकार से ये भक्ति का सुंदर जो है प्रचार किए चैतन्य महाप्रभु का यह भविष्यवाणी को पूरा करते हुए, ये भक्ति के माध्यम से बड़े बड़े पापी लोग पाप से मुक्त होकर दुरात्मा से महात्मा बन रहे हैं, अदम कव्य से परमहंस बन रहे हैं, और दुखी से सुखी होकर पूरे जगत को उतारने में लगे हुए हैं। यह है भक्ति, केवल भक्ति। पर कुछ प्रमाण चाहिए, तब बताते हैं एक ब्राह्मण बालक का कथा जिनका नाम है अजामिल। पर अजामिल का जो मन था पूरी तरह से अपने पिता का सेवा करने में लगा हुआ था, पिता जो है उनको सारे जो है पूजा पाठ यज्ञ में लगाते थे, यज्ञ के लिए फूल, यज्ञ के लिए अलग अलग प्रकार के जो भी सामग्री हैं वो बड़े प्रेम से लेके आता। एक दिन की बात है, उनके पिताजी ने देखा आने में देरी हो गई, फिर देखा कि उनके बेटे की हरकत में कुछ परिवर्तन आ गया, और बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया। तब तक यह बहुत ही बदल गया था। हुआ क्या था, अजामिल एक दिन गया था फूल तुलसी इत्यादि को संग्रह करने के लिए, अनजाने में उन्होंने वो चीज़ देखा जो नहीं देखना चाहिए था, वो सुना जो नहीं सुनना चाहिए था, वो सुन लिया जो नहीं सुनना चाहिए था। तो उन्होंने देखा कि एक जो व्यक्ति बड़े नीच चरित्र का था वो पीकर फिल्मों का गाना गा रहा था। तो अजामिल बोला, ये मंत्र तो कुछ अलग लग रहा है, बड़े राग में गा रहा है। तब देखा कि ये तो तिलक विलक कुछ लगाया भी नहीं है, कंठी माला भी नहीं है, और ये मंत्र तो नहीं लग रहा है। फिर देखा उनके साथ और भी एक जो है महिला है, पर देखा कि वो महिला भी इसी प्रकार से कोई अलग ही मंत्र गा रहे हैं, पर पता लगा ये मंत्र वंत्र नहीं, कोई फिल्मों का गाना है। अजामिल ने कान बंद करने का प्रयास किया, पर आंखों से ये दृश्य उनके मन पे छा गया था। एक बार ऐसा छा गया तो आंख बंद कर लिया और बोला, विष्णु विष्णु विष्णु, पर आंख के अंदर गया तो गया पर मन के अंदर चला गया। अब मन कह रहा था कि देख, आंख कह रहा था मत देख, पर मन जो है सारे इंद्रियों का राजा है। तो फिर उन्होंने फिर से देखा, वो सोचा इतना पूजा मैं करता हूं, इतना मैं जो सेवा करता हूं खुश रहने के लिए, मैं संतुष्ट हूं, पर लग रहा है ये दो जो है बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं। ये लोग मदिरा पीकर जो नहीं पीना चाहिए वो पीकर, और जो नहीं करना चाहिए था एक दूसरे को शरीर को स्पर्श कर रहे थे। पर अजामिल ने एक बार देखा, दोबारा देखने का मन नहीं किया, मन तो कर रहा था पर आंख मना कर रहा, पर फिर से देखा, फिर बाधा उस स्थान से गए, पर मन में वही चलने लग गया। अब जो है अजामिल ने क्या कर दिया, बोला कि इसे तो मैं जीवन भर भूल नहीं सकता हूं। उन्होंने उनका एड्रेस ढूंढ के निकाल दिया, गूगल सर्च कर दिया उन्होंने मोबाइल में,
गूगल सर्च करके पता कर ले, उनके घर पे गया और कहा कि आप अब मेरी होगी। बोला कि आपको मुझे अगर रखना है तो बहुत खिलाना पिलाना होगा, जो भी कीमत है हम भरेंगे, पर आप आ जाइए। तो इस प्रकार से अजामिल का पूरा चरित्र पूरा बदल गया। अजामिल ने अपने जो प्यारे माता पिता थे उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगा, अपनी पत्नी जिनके साथ उनका धर्म संपर्क संबंध था उसे बुरा व्यवहार करने लगा। पर इनका जो है खाने पीने का डिमांड और बढ़ने लगा। अजामिल ने कहा ये पूजा पाठ से दक्षिणा से काम नहीं चल रहा है, तो फिर तरीका अलग अलग निकालने लगा, चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, लूटने लगा, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को चुरा कर मोबाइल में फ़ोन करके उनसे कहता कि आपका बेटा वापस चाहिए तो इतना रकम वापस। इतना ब्राह्मण था, बुद्धि तेज था, पर अभी उल्टा दिशा पे चल रहा था। और उनको खुश करने के लिए उनके जैसे खाना, उनके जैसे पीना, जो नहीं खाना चाहिए वो सब खाया। कहते हैं कि चार प्रकार का जो पाप है वो सब में लग गया। जुआ खेलने लग गया, झूठ बोलने लगा, मांसाहार करने लगा, नशा करने लग गया, और इस प्रकार से पूरी तरह से। और ये सब देखकर उनके माता पिता को बहुत बुरा लगा और असंतुष्ट होकर उन्होंने देह त्याग दिया और अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और इसको जो है रानी बना दिया। इनके साथ एक दो तीन चार साल में इतने संतान हो गए कि 9 या 10 संतान हो गए। अजामिल जो था वो एक दिन गया था चोरी करने, चोरी करते आते आते लेट हो गया। इतने में वर्णन आता है कुछ संत जो हैं वे जा रहे थे अयोध्या से हरिद्वार की तरफ, तो बीच में थोड़ा देर सोचा कि यहाँ पे कन्याकुमारी में थोड़ा रुकते हैं। शाम हो गया तो पूछा एक अच्छा ब्राह्मण का घर, पर अजामिल ब्राह्मण था पर कुछ बच्चों ने इन संतों का मजाक उड़ाते हुए कहा आपके सबसे अच्छा ब्राह्मण जो है अजामिल मिलेगा, अजामिल से अच्छा ब्राह्मण है। वो मजाक मजाक में बोल दिए और ये संत लोग गए कटकटाए टिक टिक टिक। तो देखा यहाँ पे शोरगुल मचाया जा रहा है, ये सब ठीक है। तो संतों को देखकर ये जो महिला है पहली बार सोचा कि हमारे घर में संत आ गए, संत आ गए। भाव विभोर हो गई, पूरे घर को सजा कर बोला कि संत महात्मा आए तो आए, आप लोग जाइए मत। महात्मा लोग को बुरा लगा पर सोचा अब इनके घर में रहना तो ठीक नहीं है, पर वो बहुत निवेदन करने लगी। महात्मा ने सोचा कि अब क्या करें, रुक तो गए, फिर बोला कि हम लोग कीर्तन करेंगे, हम खुद पकाएंगे, हम भोग लगाएंगे, संध्या आरती करेंगे और सबको प्रसाद बांटेंगे। इतने में अजामिल आ गया। अजामिल सोचा रोज तो फिल्मों का गाना आता है, आज कुछ पुराने महामंत्र का धुन आ रही है, क्या हो गया, घर मेरा है कि किसी और का है, लगता है आज मैंने बहुत ज़्यादा नशा किया होगा। पर देखा कि एड्रेस वेड्रेस तो ठीक लग रहा है तो पहुंच गए। तो अजामिल को भी थोड़ा लग रहा था कि इतना समय बीत गया, मैंने इतना गलत काम किया। देखा कि उनकी पत्नी खुश है, सबका सेवा कर रहे, तो वो भी बैठ गया। अगले दिन मंगल आरती हो गया, मंगल आरती में सारे संत महात्मा तैयार हो गए, मंगल आरती करके तुलसी आरती करके ये जा ही रहे थे। तो अजामिल के 10 पुत्र थे, 10वां में से एक सबसे छोटा पुत्र आ गया, इनका नाम था, उनका नाम ही नहीं दिया था। तो संतों ने कहा बच्चे का नाम देना चाहिए, जैसे बच्चे जन्म लेते हैं नाम संस्कार होता है,
तीन दिन, चार दिन, दस दिन, ऐसा एक समय होता है, कितने दिन के हो गया, बोला कि लगता है 2 साल 3 साल का होगा, बोला इतना समय हो गया बच्चे को नाम नहीं दिया, आज हमें कुछ बोल नहीं पाया, बोला ठीक है हम आए हैं तो कुछ देकर जाएंगे। ये है स्वभाव साधु का, ये है स्वभाव संत का, महात्मा का। भगवान का जो स्वभाव है देना, वो देते हैं, कृपा देते हैं, दया करते हैं, सब कुछ, वैसे भी सब कुछ देते हैं, हवा देते हैं, पानी देते हैं, देना भगवान का स्वभाव है। यहां से खड़े खड़े देते देते इसी प्रकार से साधु महात्मा का भी इसी प्रकार से स्वभाव देना चाहते हैं। दुनिया के सबसे बड़ा खुशियां देना चाहते हैं। हमारे भारत में एक बैंक है जिसका नाम है देना बैंक, पर असली देना बैंक यहां खड़ा है, बाकी सब लेना बैंक है। हवा पानी सब लेना बैंक, पर भगवान देना चाहते हैं। हवा पानी तो देंगे ही देंगे, हम भजन करें या ना करें देंगे, पर भगवान चाहते हैं भगवान से वो चीज लें जो वो सच में देना चाहते हैं, वह है भक्ति। यहाँ पे असली देना बैंक वाले खड़े हैं, हम सब लेना बैंक वाले हैं, पर हमको असली लेने का तरीका पता नहीं है, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु आ गए भक्त रूप में और शिक्षा दे रहे हैं। लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, धन लेना चाहिए, तो बोलते नहीं, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविता व जगदीश कामने, तो क्या लेना चाहिए, मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवतार भक्ति, ये लेना चाहिए। हम सालों से भक्त लोग रोज सुबह मंगल आरती के बाद ये जो शिक्षा आश्रय का 8 शिक्षा है, पूरे शास्त्र के सारी शिक्षाओं का सार अगर बना दे तो उससे 8 शिक्षा मिलेगा, तो बहुत शिक्षा देगा, उसमें से 4th पंक्ति। पर हम जब रोज गाते हैं, पूरा नजर रखते हैं मंदिर में और हर मंदिर में जहां जहां पे होता है, तो हम देखते हैं शिक्षा अष्टकम का पहला जो पंक्ति है, सब बड़े जोर से और जोश से गाते हैं, चेतो दर्पण मा जनम, दूसरा भी नाम नाम हकारि बहुधा, फिर तीसरा भी त्रिनाद भी सुनी चेना तरोल भी सही सुना, फिर चौथा जब आता है, हमने बहुत ध्यान दिया, चौथा जब होता है तो हम ध्यान दिया, सबका वॉल्यूम कम हो जाता है, ना जनम ना जनम ना सुंदर कविता मैंने जन्मनी जन्मनेश्वरी भवतार भक्ति रहे, वो बोलते हैं ना जनम क्यों बोले आप, सजनम बोलो, सजनम बोलो, पर भगवान जानते हैं कि धन आ जाए, जन आ जाए, कविता आ जाए और भक्ति भी रहे, तो इस बद अवस्था में वो संभाल नहीं पाएगा। ये ऐसा हो जाएगा मानो कि एक व्यक्ति पहलवान है, वो 2 नौके में पांव डाल देता है, एक बाया एक नौके में, दाया दूसरे नौके में, समय की बात है, लहर बढ़ता जाएगा और नौका दूर होता जाएगा, बस समय की देरी है, उसका दाया और बाया पांव तो दूर दूर होता रहेगा, पहला फटेगा पैजामा, फिर लंगोट, फिर उसका हाल बेहाल हो जाएगा। श्री श्री राधा की धारी जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री गौरता की जय। तो चैतन्य महाप्रभु वो जानते हैं हमारे इस अवस्था में हम 2 नौके में पांव नहीं रख सकते हैं, और बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं, हमें एक चीज पकड़ना है और वो है भक्ति, भक्ति, भक्ति। इतिहास गवाह है,
कि जिन्होंने भक्ति को पाया वो भगवान को भी पाए, नारायण को भी पाए, नारायण सेना को भी पाया। इतिहास में जो नारायण को छोड़ के नारायण की संपत्ति के पीछे भागा, उनको ना तो संपत्ति मिला ना नारायण मिला, पर इतिहास गवाह है। अर्जुन ने कहा मुझे आपका सेना नहीं चाहिए, नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। तो अर्जुन को नारायण भी मिले, नारायणी सेना भी मिला, पूरा पृथ्वी का राज्य भी प्राप्त हुआ। रावण बोला मुझे राम नहीं चाहिए, सीता चाहिए, उसको सीता भी नहीं मिला और राम भी नहीं मिला। हनुमान जी ने कहा मुझे राम चाहिए, तो राम भी मिले, राम के साथ सीता राम का सेवा भी मिला। तो इस प्रकार से जो लोग धन के पीछे भाग रहे, लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, उनको लक्ष्मी भी नहीं मिलेगा, नारायण भी नहीं मिलेगा। पर जो नारायण 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 करेंगे उनको नारायण में मिलेगा और लक्ष्मी नारायण का सेवा भी मिलेगा। इसीलिए ये शिक्षा दिया जाता है कि क्या मांगना चाहिए, देने वाले भगवान है और हम सब लेना सीखना चाहिए। क्या लेना चाहिए? भक्ति लेना चाहिए, भक्ति लेना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो है संत का भी स्वभाव होता है देना, वो भगवान का भक्ति देते हैं। पर सोचा कि इनको कैसे भक्ति दिया जाए, वो जानते हैं, वो आचार्य हैं, वो जानते हैं कि किसको कैसे भक्ति में लाना है, है ना। आनंदम अम्बुद्धि वर्धनम, ये भक्ति आनंद को बढ़ाने वाला है। पर आनंद को देने के लिए बहुत ही निपुण होते हैं। ये श्रीनिवास आचार्य द्वारा एक सुंदर जो है सद गोस्वामी अष्टक के तीसरे पंक्ति में आता है, आनंद अम्बुद्धि वर्धने निपुण कैवल्य निस्तार को, ये आनंद को बढ़ाने के लिए भक्ति को औरों को देने के लिए बड़े निपुण होते हैं प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत सरदेव ठाकुर। तो उन्होंने तरीका निकाला, बोला ये तो पूरा बच्चे पे उनका मन लग गया, तो बच्चे का नाम भगवान के नाम से जोड़ देते हैं। बोला कि आपका बेटा का क्या नाम है? बोला अभी तक तो नाम नहीं दिया, तो इसको नाम दो नारायण। तो नारायण सुना तो बहुत खुश हो गया, फिर उसके बेटे को बुलाने का, नारायण आ, नारायण खा, नारायण पी, नारायण खेल, नारायण चलो इधर चलो उधर चलो, ये करते 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 समय चला गया। एक दिन की बात है, इनका समय आ गया था, किसका? अजामिल का। अजामिल का समय आया था, अजामिल ने बहुत पाप किया था, तो इसलिए उनको लेने के लिए एक नहीं दो नहीं तीन क्या गए, यमदूत आ गए। यमदूतों को देखकर अजामिल जो है अपने ही बिस्तर में चीखने लगा, नारायण नारायण नारायण। अजामिल इतने डर गया था कि उनके जो है बिस्तर में ही उन्होंने जो है आगे से उनका पैजामा गीला कर दिया और पीछे से पीला कर दिया और चीखने लगे नारायण नारायण नारायण। पर उनके पुकार में इतना क्रंदन था, पवित्रता था, नारायण। भागवत में वर्णन आता है कि ब्रह्मांड के जितने भी छिद्र थे, सात छिद्र को फाड़ करके वैकुंठ में भगवान ने इसे श्रवण किया, बोला कि मेरा नाम पुकार रहा है, बोला ये पापी है, बोला पर नाम मेरा है। तो बोला चार जो है विष्णु दूत को भेजे, ना रा या न, और ये सात विष्णु दूत पहुंच गए चार, और यहाँ पे तीन यमदूत। इन दोनों के बीच में संवाद होने लग गया, वाद विवाद होने लग गया, और यमदूत बोले आज ये पापी है, इन्होंने ये पाप किया, पर यहाँ पे बता रहे हैं ये देखिए, पापी तो पाप कर लेता है, पर गलती यह है कि वो भगवान भगवान के नाम से दूर है, पर इन्होंने भगवान का नाम लिया तो सारा पाप कट गया। पाप तो पाप, पाप का जितना बड़ा फैक्ट्री है वो फैक्ट्री को भी भस्म करने का शक्ति रखता है भगवान का नाम। तो इन्होंने भगवान का नाम लिया, अब इनका कोई नहीं रहा पाप, अब आप यहाँ से एक दो चार हो जाओ, पर ये जाने के लिए नहीं कहते। इस संवाद को सुनकर
अजामिल जो था पूरी तरह से भयभीत हो गया। पर पहली बार इस ब्रह्मांड के इतिहास में ये तीन यमदूत जो है हार गए और विष्णु दूत को वो क्रोध में प्रणाम करके वे चले गए। हरि नाम का महिमा तो सुन लिया अजामिल ने और विष्णु दूत का दर्शन भी कर लिया और जैसे सुंदर वर्णन आते दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। अब अजामिल को पुरानी बातें आ गए, उनके भक्ति याद आ गया और ये चार जो है वैकुंठवासी चले गए। पर अजामिल को हरि नाम का इतना महिमा का बोध हो गया बोला कि अब मैं यहाँ रुकूंगा नहीं। और उनके अंदर जो पाप का प्रवृत्ति जो था अपने बच्चों से के प्रति शारीरिक आकर्षण और स्त्री के प्रति शारीरिक आकर्षण मन से वो पारा सारा निकल गया। उसी वक्त वो अपने बेटे नारायण को भी छोड़ दिया, उसी वक्त अपने पत्नी को भी छोड़ा, पीछे नहीं देखा, सीधा कानपुर से वो चले गए हरिद्वार। हरिद्वार में वो भक्ति किया तो किया, इतना सुंदर भक्ति किया, भागवत में वर्णन आता है 11-15 साल तक भक्ति किया और वो प्रसन्न हो गए। वैकुंठ से फ्लाइट आया तो वही चार विष्णु दूत जिनको उन्होंने देखा था वो आए थे, उनका स्वागत किया। इस प्रकार से भक्ति करके इस संसार में हम लोग आए हैं, इस संसार से बाहर जाने के लिए, काम क्रोध लोभ चाहे कुछ भी हो। ये कथा सुनकर एक बार एक सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हो गया। वो सेठ जी इतना प्रसन्न हो गया, मैं तो जीवन भर पैसा कमा रहा हूँ, मुझे भक्ति करने का मौका तो नहीं मिला, पर मैं भी अजामिल जैसे अपने बच्चों को नाम दे देता। तो उनके चार बेटा था, हाँ वो टिंकू पिंटू मिंटू और चिंटू रखा था, टिंकू मिंटू और चिंटू। बोला अभी से आप सबका नाम होगा अनिरुद्ध प्रद्युम्न संकर्षण और वासुदेव। तो छोटे छोटे बातों में अनिरुद्ध प्रद्युम्न संकर्षण वासुदेव करता था, अनिरुद्ध प्रद्युम्न संकर्षण वासुदेव करता था। ऐसे करते करते एक दिन सच में उनका भी समय आ गया। समय तो आया, उन्होंने क्या किया, जोर से चले अनिरुद्ध प्रद्युम्न संकर्षण वासुदेव। चार के चार बेटे आ गए, पिताजी बोलो। पर पिताजी बोलो तो बोलो, अब देखा कि उनके दुकान जो था वो दुकान में एक गधा आ गया था, वो आम का गोनी से गेहूं खा रहा था, तो ये चिल्लाने लगा अरे अनिरुद्ध प्रद्युम्न संकर्षण वासुदेव, चार के चार इधर आ गए। फिर उसके बाद बोला हाँ पिताजी आपने बुलाया हम आ गए। बोला गधे कहीं के, देखो उधर गधा पर खड़ा है। और जैसे बोला गधा तो थक करके यमदूत पकड़ के लेके आ गए। तो ये जो भगवान का नाम लेना होता है उसको पवित्र भाव से लेना होता है। अजामिल ने तो लिया था वो नाम अपराध से, नाम आवास के सर पर, उसके बाद 15 साल शुद्ध नाम लिया फिर वैकुंठ गया। पर ये चालाक व्यक्ति क्या सोचा, अनिरुद्ध प्रद्युम्न संकर्षण बोलने से मेरा काम हो जाएगा। नहीं, काम हो रहा है, काम होगा, पर वैकुंठ जाने के लिए हमको तीव्र भक्ति से ये नाम लेना होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। यमदूत मार मार के उसको लेके गया, बोला कि चीटिंग करने के चक्कर में घूम रहे हो। बोला अजामिल कथा में, और आजा वो बोला कि अजामिल कथा में अजामिल ने 15 साल एक्स्ट्रा जपा किया। वो बोला मुझे एक्स्ट्रा जपा करने के समय तो, अरे तू गधा बोला इस अजामिल ने गधा नहीं बोला, चलो तो लेकर गए उसको। तो इस प्रकार से ये सच है कि भगवान का नाम भक्ति का सबसे कलयुग में बड़ा जो है विधि है, और इस विधि से जो है हम बड़े आसानी से इस भवसागर को, ये दुनिया बनाया है, दुनिया से आए तो हैं, इस दुनिया से बाहर भी हम इस नाम से जाएंगे। पर इसे और अच्छी तरह से करने के लिए प्रभुपाद जी इतना सुंदर आंदोलन बनाए, इनके इस आंदोलन में हमें भक्ति करके, गुरु धारण करके, भक्तों के संग में। एक बार और एक सेठ जी था वो भी थोड़ा चालाक था, पूरा पैसा कमाया, पर उनका बेटे लोग को थोड़ा धार्मिक बनाया, तो
बेटे को बोला बेटा, तो उनका भी अंत समय आ गया, उनका भी अंत समय आ गया। तो अंत समय आया तो बेटा सब सोचा कि इनको थोड़ा भगवान का नाम लेना चाहिए, शिव जी के भक्त थे। तो बोला बाबा भोला, शिव जी का नाम लो, बाबा भोला बाबा भोला। तो ये बोला ठीक है, वो बोल नहीं रहा था, कमजोर हो गया था, बाबा भोला बाबा भोला। पर ये पूरा जीवन अमेरिका घूम के आया था, यूरोप घूम के आया था, बहुत ज्यादा कोको कोला पिया था। फिर अंत समय में उनको कोको कोला दे नहीं रहे थे लोग। बोला बाबा बोला बाबा बोला, अभी बाबा मुंह खोला, बोला बाबा बोला बाबा बोला। तो फिर बेटा सोचा कि अभी बोलेगा बोलेगा मम बोला, बोला बाबा बोला बाबा बोला। तो मुंह खोला और बोला कोको कोला। और उतने में यमदूत जो है उसे लेकर गए। तो ये जो है अजामिल का कथा, इससे शिक्षा ये मिलता है कि भगवान के नाम में शक्ति है, चाहे मन में कितने भी काम वासना हो, पर भगवान का नाम लेते 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 पवित्र हो जाता है। और प्रभुपाद जी ने कर देखा है, प्रभुपाद जी ने जैसे मैंने बताया हिप्पी को हैप्पी बनाए, रूसी को ऋषि बनाए, चीनी को मनी बनाए, जापानीज को जापान में लगा दिया। तो इसी प्रकार से क्रोध से भरा दीदी थी। दीदी कौन है? कश्यप की पत्नी। उन्होंने उनको ये गुस्सा था, मेरे प्यारे प्यारे दो बेटे हैं, एक का नाम है हिरण्यकशिपु तो दूसरे का नाम है हिरण्याक्ष। अरे मेरे प्यारे प्यारे दो बेटे हैं, ये अदिति के जो पुत्र हैं, ये इंद्र, इन्होंने चापलूसी से नारायण तो फुसलाया और मेरे बेटे का वध करा दिया। वो किया तो क्या, छोटा मोटा चोरी किया, दो दिन जो उनको तमाचा मारा, ऐसा मार देना चाहिए। तो उनको आया क्रोध, क्रोध में आके उन्होंने एक दिन अपने पतिदेव से कहा, आप बहुत बड़े साधु हो, मुझे एक ऐसा विधि बताओ जिससे कि मैं अपने जो है बदला ले सकूं। वैसे कश्यप मुनि को बहुत बुरा लगा, जैसे हमने बताया आचार्य जो होते हैं आनंदम अमृति वर्तने के निपुण हो, वो बोला कि ये देवी उनके अंदर इतना क्रोध, बदला लेना चाहती है पर करे तो क्या करे, इसको कैसे भक्ति में लाए। तो बोला आप जो है एक साल का पूरा एक व्रत करो, पुंसाना व्रत करके एक व्रत था लंबा सा व्रत, इसमें रोज सुबह जल्दी उठना है, बड़ा पवित्र जीवन व्यापन करना है और उपवास रखना है, उपवास 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 उपवास। तो 9, 10, 11 साल 11 महीने तक उनको 12 महीने तक ये व्रत करना था। और ये व्रत करते 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 वो इतने कमजोर हो गए, पर पवित्र भाव से कर रही है ये व्रत। पर ये इनका इनका ये जो व्रत था इतना प्रसिद्ध हो गया कि इंस्टाग्राम में यूट्यूब में फेमस हो गया कि इतना व्रत कर रही, इतना व्रत कर रही। तब तक स्वर्ग में इंद्र को पता लग गया, अरे बाबा ये तो व्रत कर रही है मुझे मारने के लिए। पर कश्यप मुनि ने उनको ऐसा व्रत दिया कि ये जो है व्रत करते करते वो भगवान का ज्यादा स्मरण करेगी, सेवा करेगी, मंगल आरती में उठना है, स्नान करना है, जपा करना है, तुलसी पूजा करना है, ब्राह्मणों का सेवा करना है, इस प्रकार से पवित्र जीवन। धीरे 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 11 महीना जब हुआ, अब इंद्र को आ गया टेंशन। इंद्र मौका ढूंढ रहा था कि इनके गर्भ में जो है संतान जन्म लिया है, इसको कैसे करेंगे नाश। तो इंद्र जो था मौका ढूंढ रहा था, पर ये इतने पवित्र तरीके से कर रही थी। भागवत में वर्णन आता है कि एक दिन कमजोरी के कारण शाम को जो है हल्का सा सूर्यास्त से पहले थोड़ा सा प्रसाद पाई, भगवान को अर्पण किया गया प्रसाद, और पांव धोते वक्त
पूरे पांव को पानी से धोना चाहिए, तो हल्का सा थोड़े जगह में पानी नहीं गया था। कभी कभी कोई लोग जल्दी से हाथ धोते हैं तो थोड़ा सा पानी लग जाता है, या यहाँ पे पानी थोड़ा कम लगता है तो अच्छी तरह से नहीं धोते हैं। इसी प्रकार से कमजोरी के कारण ऐसा हो गया, वो जानबूझ के नहीं पर कमजोरी के कारण है। इंद्र ने सोचा अब जो है मौका मिल गया, वो मौका ढूंढ रहा था। इंद्र सूक्ष्म तरीके से छोटा बनकर उनके पास शक्ति था और वो चला गया उनके शरीर के अंदर और उनके गर्भ के अंदर गया और उनके गर्भ को जो है हल्का सा जो वज्र था उसको लेजर बीम की तरह काटने लगा। वो शिशु जो था रोने लगा, मत काटो भैया मत काटो। तो बोला मां रूतर, यानी कि मां मतलब मैं नहीं, रूप यानी कि मत रो। पर वो काटे जा रहा था तो अब एक काटा दो जन रोने लगे, मां बोला मत रो मत रो मत रो, नहीं तो मां जाग जाएगी। फिर सात टुकड़े किए, इंद्र को फिर भी दया नहीं आया, वो बच्चे रोने लगे भैया मत मारो। फिर बाद में उनको और गुस्सा आया, ऊपर उनको गुस्सा भी था, दर्द ज्यादा सता रहा था, भय ज्यादा सता रहा था, दया भी था पर डर इतना था कि बोला कि इनको जिंदा नहीं रखना। तो सात टुकड़े को फिर सात टुकड़े में कर दिया, तो कितने हो गए 49। पर 49 छोटे छोटे शिशु गए, यानी कि जो बीज था वो इतना उसके अंदर शक्ति था कि वो एक के दो, दो के सात, सात के 49 हो गए। पर सबके अंदर आत्मा 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 49 आत्मा 49 संतान, सब रो रहे थे, दर्द हो रहा था इसलिए रो रहे थे। अब इंद्र सोच रहा था क्या करूं, और वही समय था कि दीदी के गर्भ से संतान जन्म लेने का। तो 49 छोटे छोटे शिशु आए, इन सारे शिशुओं को देखकर दीदी का मन इतना प्रेम से भर गया, इतना प्रेम से भर गया, इतना प्रेम से भर गया। ये है वैष्णव आचार्य, क्रोध में आई थी, ऐसा बच्चा चाहिए जो इंद्र को खत्म करेगा। पर एक के बाद एक, एक के बाद एक 49 बच्चे निकले, उनके मन में प्रेम जागृत हो गया। विद्या भी नहीं संपन्न ब्राह्मणी कवि हस्तनी सुनी चेव सुपाठी थे पंडित सर्वदर्शन, बहुत प्रसन्न हो गए। उसके बाद उनके बच्चे तो निकले तो निकले, अदिति के पुत्र इंद्र आया, समदर्शन हो गए, ये भी तो आत्मा है, ये भी तो भगवान का अंश है, इन्हें भी पूरा जीने का अधिकार है। और इस प्रकार से वो भूल गई कि मैं इंद्र मेरा बेटे को मारा, और वो सब भूल कर इंद्र को भी देखकर प्रसन्न हो गए और उनको भी माफ कर दिया। तो ये है भक्ति का शक्ति, और ये जो है दीदी के 49 पुत्र होने के बाद भी उनका गिनती जो है अदितियों में आ जाता है। इंद्र ने कहा इन्हें देवताओं के पक्ष में लिया जाता है। इस प्रकार से दीति के अंदर जो क्रोध था वो क्रोध को भी क्या कर दिया, नाश कर दिया। और इस प्रकार से ये भक्ति में इतना शक्ति है, चाहे किसी के अंदर कितना भी क्रोध हो, कितना भी काम वासना हो, वो नाश करके अगर वो अच्छी तरह से भक्ति करे, गुरु का आज्ञा पालन करे और वैष्णव अपराध ना करे, तो जरूर वो भगवत धाम को प्राप्त कर। देहदारी जीव को करना क्या है, तीव्रे न भक्ति योगे न यजते पर। और दुनिया में हम आए क्यों हैं, दुनिया से बाहर जाने, पर ये भक्ति करके, तीव्र भक्ति करके बाहर जाने के लिए। तो दीदी का भी क्रोध शांत, वो भी भगवत धाम चले गए। और जो है क्रोध लोभ का वर्णन आता है, तो भागवत में छठे स्कंद में एक राजा का वर्णन आता है, चित्रकेतु, हमको एक पुत्र चाहिए था,
पर उनको एक के जगह में एक पत्नी हुआ तो उनसे एक पुत्र नहीं हुआ तो दूसरा पत्नी उससे कहने गया। भागवत में वर्णन आता है उन्होंने विवाह पे विवाह विवाह पे विवाह 10, 100, 1,000, 10,00,000, 1,00,000। मेरा रोड का आबादी क्या है? मेरा रोड का आबादी लगभग 30,00,000 है, 30,00,000। इन्होंने 1,00,000,000 पत्नी बनाया, पर उनके पास उतना क्षमता था कि एक एक पत्नी को एक एक बंगला दिया था। और बंगला छोटा मोटा फ्लैट नहीं था, अच्छा बंगला था, 1,00,000,000 बंगला। एक पुत्र पाने के लिए भगवान कृष्ण के 16,108 पटरानी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। पर सच पूछो तो भगवान कृष्ण का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता है। भगवान कृष्ण का जब शरद पूर्णिमा में वर्णन आता है तो 300 करोड़ गोपियों के साथ उन्होंने रास बचा, 300 करोड़ गोपियों का। पर ये 300 करोड़ गोपियों के साथ भगवान का विवाह हुआ था ब्रह्म भुवन लीला के अंतर्गत। तो इस प्रकार से ऑफिशियल, ये भी ऑफिशियल है, पर जो भी है ये चित्र के तो महाराज इतना लोभी थे, लोभी। पर अंत में नारद मुनि पर्वत मुनि एक बार आए थे तो बहुत रोए, बोला आपके नसीब में बेटा नहीं है, फिर इस जन्म में नहीं है, इस जन्म में नहीं, पर फिर भी बेटा दीजिए। तो उन्होंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ से जो यज्ञ से जो खीर आया तो बोला कि अपने रानी को खिलाओ। तो उन्होंने अपने सबसे पहले रानी को खिला दिया तो उनसे पुत्र जन्म लिया, इतना प्यारा पुत्र। तो वो 99,99,900 रानियों को बहुत बुरा लगा। आज तक तो वो रोज हमको संध्या आरती के समय पे सबसे मिलते हैं और हरे कृष्ण बोलते हैं और मंगल आरती में भी हरे कृष्ण बोलते हैं। जब से ये बच्चा पैदा हो गया संध्या आरती में भी नहीं, मंगल आरती में भी नहीं, केवल उनके यही रानी को देखते हैं। और तो और ये रानी के साथ जो भी नौकरानी है उनको भी ये राजा देखते हैं। हम महारानी होते हुए भी राजा हमको रानी तो रानी नौकरानी की तरह भी ट्रीट नहीं कर रहे हैं। लगता है ये बच्चा ही हमारे लिए सबसे बड़ा जो है दूरी पैदा किया, इस दूरी को दूर करने के लिए इस बच्चे को ही दूर कर दे। अब इस प्रकार से षड्यंत्र रचा दिया। ये भौतिक जगत है, इसमें हम सबको बहुत सावधान रहना चाहिए। क्या होता है भौतिक जगत में, ईर्ष्या तो वैसे भगवान से है पर संसार में एक दूसरे से भी ईर्ष्या हो जाने लग जाते हैं। किसी के अंदर कुछ खूबी दिखाई पड़ता है या वो उन्नति करने लग जाता है तो व्यक्ति थोड़ा सा ये हो जाता है, भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे, उनके घर में हमारे घर से बड़ा टेलीविजन कैसे। पर ये जो है भक्तों में नहीं होता है, भक्त देखते हैं अरे वाह इसका कमीज मेरे कमीज से सफेद, लगता है भगवान का कृपा हो गया, उनको सुपर अल्ट्रा डिटर्जेंट सर्फ मिल गया है। पर उनको बुरा नहीं लगता है, अरे कम से कम भगवान ने मुझे कपड़ा तो दे दिया, जेन्युइनली बोलते हैं उनको, उनके हृदय से होते हैं भगवान ने मुझे कपड़ा तो दिया है, इनको दिया बहुत अच्छी बात है, चलो कोई बहुत अच्छा। पर अभक्त तो हो जाते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है, भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे, तो उसके ऊपर इंक फेंक देते हैं। तो इसी प्रकार से इस बच्चे को खत्म कर दिया। अब बच्चा जो खत्म हो गया, नारद मुनि ने कहा ये बच्चा आपका सुख हर्ष का भी कारण होगा, शोक का भी कारण होगा। तो सोचा थोड़ा बहुत नटखट होगा इसलिए मुझे दुख लगेगा। पर शोक जब जब मारा गया तो इतना शोक हुआ, इतना शोक हुआ, भागवत में कहते हैं ये खबर सुनते ही वो बेहोश हो गया, फिर खड़ा हुआ, फिर बेहोश हो गया, फिर खड़ा हुआ, फिर बेहोश हो गया, फिर रोने लगा, बेटा 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 बेटा। तो भागवत में वर्णन आता है कि नारद मुनि आते हैं, नारद मुनि के पांव पकड़ के रोने लग जाते हैं, बेटा मेरा चला गया बेटा मेरा। तो नारद मुनि एक चमत्कार करते हैं, उस बेटे को शरीर में फिर से वो आत्मा को बुलाता है, वो बेटा खड़े हो जाते हैं, वो बेटा बात करने लग गया, बोला हर्ष शोक हर्ष शोक हर्ष शोक
हर्षोर को देखने लग जाता है, घूर घूर के देखने लग जाता है, बेटा मैं आपका बाप, बेटा मैं आपका बाप, मैं आपका पिताजी, मैं आपका पिताजी। हर्षोर बड़े कोमल मीठे पानी से कहने लगा, आप मेरे किस जन्म के बाप? बोला कौन सा मैं आपका बाप हूँ, क्या जन्म जन्म बात करो? मेरे गर्भ अर्भ जन्मों में जिसने इस पृथ्वी में कण है उतने बार मैंने जन्म लिया, और उतने मेरे माता और उतने मेरे पिता, और उनमें से आप मेरे कौन से माता और कौन से पिता? इतना जब उनके मुंह से सुना तो उनको लगा इनका इतना जन्म हुआ तो मेरा भी इतना जन्म हुआ, हम सब कर क्या रहे जन्म मृत्यु जरा व्यधि के चक्कर में। और तब उनके अंदर ऐसा वैराग्य हो गया, फिर उनके बेटे ने कहा कि अब यहाँ पर नारद मुनि जैसे संत महात्मा है, यहाँ पर इन सब का दर्शन करके मेरा जीवन पावन हो गया, मैं भक्ति करके भगवत धाम वापस जा रहा हूँ। और उनके सामने वो भगवत धाम चले गए, और इन छोटे बेटे के मुंह से ये बात सुना तो जो बात नारद मुनि पर्वत मुनि पिछले अनेक सालों से समझा रहे थे उसको उनको समझ में आ गया। नारद मुनि के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम किया, और भागवत में वर्णन आता है कि उनको दीक्षा दिया गया, मंत्र दिया गया था, और 3 दिन में उन्होंने जो है शंकरचंद भगवान का दर्शन किए, और उनसे उनके कृपा से वो पूरे ब्रह्मांड घूमने लगे। तो काम हो, क्रोध हो और लोभ हो, ये भक्ति से नाश हो जाता है, और इस प्रकार से सुंदर भक्ति से। पर यही भागवत के 6वें स्कंध में एक और प्रसंग आता है, वह है दक्ष प्रजापति। वो दक्ष प्रजापति जो कि 14वें स्कंध में शिव जी के चरणों में अपराध किया था, चरण कमलों में अपराध किया था, अब फिर से वो जन्म लेते प्रचितास, नव प्रचितास, जिनके सभा में नारद मुनि नाचे थे, और बोला कि मेरा एक शिष्य अब भगवत धाम जा रहा है। बोले कौन शिष्य? यज्ञ हो रही है क्या? बोले यज्ञ वज्ञ साइड में, अब ध्रुव महाराज मेरा शिष्य भगवत धाम जा रहा है। तो वो नव प्रचितास के बेटा बनकर आया था दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति के बारे में वर्णन आता है, मैं संक्षेप में कर देता हूँ कि उनके 10,000 पुत्र हुए थे। तो 10,000 पुत्र आए तो बल्कि गृहस्थ आश्रम में जाओ, प्रजा बढ़ाओ। तो 10,000 पुत्र गए तो गए, नारद मुनि बोलेंगे इतने सारे यूथ आ गए, तो उन्होंने तुरंत एक यूथ फोरम चालू कर दिए, और सब लोग कीर्तन प्रवचन सुन रहे थे। तो कीर्तन में प्रवचन में 10 प्रश्न पूछे, और 10 प्रश्न का उत्तर देते ही सबके सब संन्यास ले लिए। यहाँ पे बोले तो ये लोग गृहस्थ बनने गए थे, अभी तक आया क्यों नहीं? फिर पता लगा कि ये लोग सब मोबाइल में खबर आया कि ये सब दुनिया का सबसे पहले यूथ प्रोग्राम हो गया था, और उस यूथ प्रोग्राम में 10,000 के 10,000 यूथ क्या हो गया, संन्यास ले लिया, ब्रह्मचारी के नेतृत्व संन्यास लिया। तो इनका आया गुस्सा, मेरा प्लान को फेल कर दिया, पर मैं भी दक्ष हूँ। तो उन्होंने 1,000 पुत्र को फिर से जन्म दिया, पर ये 10,000 आए तो और एक यूथ प्रोग्राम चालू हो गया, और इस यूथ प्रोग्राम में उन्होंने समय कम लिया। बोला कि छोटे भाई का कर्तव्य क्या होता है? तो उनको उत्तर दिया बड़े भाई के पदचिन्ह में चलना, तो फिर से वो भी चले गए। अब दक्ष को आया गुस्सा, बोला कि ऐसे कर रहे हो, तो उन्होंने 60 कन्याओं को जन्म लिया, अब बोला यूथ फोरम करो। तो नारद मुनि आ गए दक्ष प्रजापति के पास ये खबर लेने के लिए, आपके 11,000 बेटे जो है भगवत धाम के और प्रस्थान कर रहे हैं, इतने अच्छे भक्त हो गए। नारद मुनि ये सोच के गया कि दक्ष प्रजापति शाबाशी देगा, पर दक्ष प्रजापति को आया गुस्सा, उन्होंने बहुत बुरा भला कहा, और नारद मुनि से कहा मैं श्राप देता हूँ, बहुत यूथ फोरम कर रहे हो ना, 3 दिन से ज्यादा एक जगह पे नहीं रह सकते हो, और इस प्रकार से श्रापित कर दिया, और उन्हें 60 कन्याओं को जन्म दिया, वहां से पूरे ब्रह्मांड फिर से। पर इस चक्कर में दक्ष प्रजापति ने क्या कर दिया, वैष्णव हमला कर दिया, काम क्रोध लोभ इतना बुरा है, पाप है, पर भक्ति के शक्ति से वो नाश करके
एक ब्रह्मांड से भौतिक जगत से बाहर हो गए। दक्ष प्रजापति भागवत के छठे स्कंध में वर्णन आता है, वह ऐसे सुंदर जो है तपस्या किए और नारायण का दर्शन करते हैं, नारायण का दर्शन करते हैं, पर फिर भी वे नारायण का दर्शन करने के बाद भी जो है भगवत धाम नहीं जा पाए, क्योंकि वो ना तो वो अजामिल जैसे कामी थे, ना तो वो लीगी जैसे क्रोधित थे, ना लोभी थे, पर फिर भी वो जा नहीं पाए। कारण भगवान का दर्शन करने के बाद भी वो नहीं जा पाए, क्यों? वैष्णव। तो हम सबको इस भागवत के माध्यम से ये शिक्षा लेना है कि अब से लेके शरीर छोड़ने तक देहधारी देव को क्या करना है, तीव्रेना भक्ति। हम इस ब्रह्मांड इस भौतिक जगत में आए हैं, इस भौतिक जगत से बाहर जाने के लिए तीव्रेना भक्ति, पर इस भक्ति को करते करते वैष्णव अपराध नहीं करते, वैष्णव अपराध। और 5 मिनट प्रोसेस देखिए, बचपन में हम लोग एक खेल खेलते थे, सांप और सीढ़ी। आजकल के बच्चे शायद खेलते हैं नहीं, वो डिजिटल खेलते हैं, डिजिटल खेल फांसा फेंकते हैं, 1 से 6 अंक आता है, और हम आगे बढ़ते हैं। अगर सीढ़ी के मुंह में आ जाए तो ऊपर जाते हैं, सांप के मुंह में आ जाए तो नीचे जाते हैं, है ना। अगर सीढ़ी के मुंह में नहीं आए, सांप के मुंह में नहीं आए, तो हल्का सा आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से भक्ति में हम जो भी कार्य करते हैं, अगर वो वैष्णव सेवा हो गया तो तुरंत आगे बढ़ जाते हैं, और वैष्णव अपराध हो गया तो भक्ति वहीं पे स्थगित हो जाता है। वैष्णव सेवा भी नहीं हुआ, वैष्णव अपराध में थोड़े थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्रम से आगे बढ़ेंगे। तो भक्ति में हम आए तो हैं, तीव्र भक्ति कर ही रहे हैं, पर वैष्णव अपराध से बचते रहे हैं। जो दक्ष प्रजापति ने के द्वारा हो गया, उससे शिक्षा हमने, और प्रार्थना करते हैं कि दक्ष प्रजापति आगे वैष्णव अपराध ना करें, पर हम भी वैष्णव अपराध से बचते रहे। ऐसा अगर करते करते भक्तों के संग में अगर हम भक्ति करेंगे, प्रभुपाद जी के ये सुंदर आंदोलन में अगर हम आए हैं तो प्रभुपाद जी का सेवा करते रहें, ग्रंथ वितरण करते रहें, अध्ययन करते रहें, वैष्णव के साथ प्रेम से व्यवहार करते रहें, और इस्कॉन को अगर नहीं छोड़ेंगे, इस्कॉन को अगर हम नहीं छोड़ेंगे, प्रभुपाद जी गारंटी देते हैं कि वैकुंठ से फ्लाइट आएगा। शरीर छोड़ने छोड़ते वक्त वैकुंठ से फ्लाइट आएगा। प्रभुपाद जी 3 बार कहे, प्रभुपाद जी अलग अलग जगह पे 3 बार ये बातें बताए। अगर आप 16 माला जब 4 नियम पालन करोगे, वैष्णव के साथ अच्छा व्यवहार करोगे, वैष्णव अपराध नहीं करोगे, वैकुंठ से फ्लाइट आएगा। देह त्यागने के बाद वैकुंठ से फ्लाइट आएगा, वैकुंठ लेके जाएंगे। अगर नहीं आया, वैकुंठ वासी कहेंगे भगवत गीता का 8वें अध्याय का 5वां श्लोक इन्होंने पूरा नहीं किया, अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्ता कलेवरम नहीं किया, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं आऊंगा। प्रभुपाद जी कहते हैं मैं आऊंगा और आपको लेकर जाऊंगा, और अगर वैकुंठ वाले गेट बंद कर देंगे, बोलेगा कि ये श्रील प्रभुपाद जी कैसे जीवात्मा को लेके आ सकते हैं, नहीं इसे अंदर आने देंगे, तो मैं वैकुंठ के आगे जाऊंगा, द्वारिका के तरफ जाऊंगा, द्वारिका वाले गेट बंद करेंगे, नहीं ये नहीं चलेगा, मैं उससे आगे जाऊंगा, मथुरा के और मथुरा का गेट बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा, तो गोलोक वृंदावन के और आ जाऊंगा, गोलोक वृंदावन का आगे का गेट भी बंद कर देंगे। बोलेगा ऐसा नहीं, ये क्या ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी शुक्ल प्रभुपाद जी जीवात्मा को लेके आ रहे, ऐसा नहीं चलेगा, बंद करो इसको, बंद करेंगे। पर मैं पीछे के दरवाजे के और आ जाऊंगा, गोलोक वृंदावन के, वहां का बड़ा गेट भी बंद कर देंगे, पर
उस बड़ा गेट का एक छोटा गेट होता है, जानते ना, जब भी बड़ा गेट होता है तो एक छोटा गेट होता है, उस छोटा गेट का चाबी श्रीमती राधा रानी ने मुझे दिया है। और उस छोटा गेट को खोल कर मैं आपको अंदर लाऊंगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए हम देखते हैं इस्कॉन के हम भगवान, देखिए भगवान का योजना है कि ये जीवात्मा प्रभुपाद जी के आश्रम में रहेंगे, इस्कॉन में रहेंगे, ठीक है, जो भी है हम इस्कॉन में आ गए। पर कभी कभी भक्त लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं, कहीं मायापुर जाते हैं तो कहीं जगन्नाथपुरी, कभी वृंदावन। तो इस्कॉन के भक्तों को पता कि अरे इस्कॉन में ABCD बताए ना, ABCD भी बताए, XYZ भी बताए। आप भक्ति रसामृत सिंधु खोलो, श्रीमद भागवतम चैतन्य चैतन्य पढ़ो, भगवद गीता में इतने सुंदर सुंदर बातें लिखे हैं, तो सब कुछ है। तो बोलते नहीं नहीं, इस्कॉन के छोड़कर कुछ भक्त लोग बाहर चले जाते हैं, पर उनको पता नहीं बाहर चले जाते हैं वो बाबा जी भी बन जाए, पर बाबा जी बनने के बाद जब तक वो 100% भक्ति नहीं करेंगे भगवत धाम उनको नहीं। पर इस्कॉन में अगर वो भक्त ईमानदारी से सेवा करता है, 16 माला जप करता है और 4 नियम पालन करता है, भक्तों के बीच में रहता है, इस्कॉन में भक्तों के बीच में रहना यानी कि इतना सेवा करना पड़ता है, और सेवा तो सेवा मिलता है पर सेवा के साथ साथ थोड़ा डांट भी पड़ जाता है, तो इसको पचाना इतना आसान नहीं है। पर ये सब पचाते हुए अगर कोई इस्कॉन नहीं छोड़ेंगे तो प्रभुपाद जी कहते मैं जरूर आऊंगा और वापस लेकर जाऊंगा। अच्छा, इस्कॉन में आ गया, कभी कभी डांट पड़ जाता है, अरे एक रसगुल्ला की जगह पे 4 रसगुल्ला मांग रहे हो, बोला मुझे गाली दिया, मुझे गाली दिया, मैं इतना बड़ा घर का बड़े बाप का बेटा हूं, मुझे गाली दिया, मुझे गाली दिया। पर इतना समझ में आना चाहिए, ये सब सुनने से मैं अभी इस्कॉन नहीं आऊंगा तो ऐसा हो जाता है। पर ये सब सुनते हुए भी इस्कॉन में अगर कोई आता है तो बहुत बड़ा तपस्या हो गया, और गाली भी मिला तो साधु से मिला, तो कहने वाले कहते हैं साधु का गाली घी का नाली, जितना पियो होंगे बलशाली, यानी भक्ति में बलशाली होते रहेंगे। तो इस प्रकार से सहनशील होते हुए वैष्णव अपराध से बचते रहेंगे, कितने भी काम क्रोध लोभ से रहेंगे पर भक्तों के बीच में रहते रहते 16 माला जब 4 नियम पालन करते एक दिन जरूर आएगा, हमारा मन पवित्र हो जाएंगे और भगवत धाम प्राप्त करेंगे। और अगर थोड़ा बहुत कमी भी रहेगा तो प्रभुपाद जी गारंटी देते हैं कि वो आएंगे और लेकर जाएंगे। तो हम सबको प्रभुपाद जी के इस आंदोलन को आए हैं, प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा कृपा हमारे सबके ऊपर है, ये हमारा भाग्य का उदय हो गया। पर भाग्य का उदय तो हो गया है, जैसे सूर्य का उदय होता है, सूर्य का अस्त होता है, पर इस भाग्य का उदय तो हो गया, हमें अस्त निकल, अर्थात भक्तों के संग में बड़े प्रेम से भक्ति करना है, 16 माला जप करना है, 4 नियम पालन करना है, इसको छोड़ना नहीं है और वैष्णव अपराध नहीं करना, गारंटीड। हमको क्या मिलेगा देह त्यागने पर? तो परीक्षित महाराज जी का 2 प्रश्न है, देहदारी जीव अब से लेकर मृत्यु तक क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें? तीव्र ना भक्ति होगी ना, तीव्र भक्ति करना चाहिए, और ये तीव्र भक्ति करेंगे तो हम इस संसार में आए हैं, इस संसार से बाहर निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से इस भागवत के माध्यम से हम सबको ये प्रेरणा लेना चाहिए, अब से लेकर शरीर छोड़ने तक हम जो है भक्ति करेंगे, वैष्णव सेवा करेंगे, वैष्णव अपराध से बचते रहेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग ने सेवा का अवसर दिया, इस पितृ पक्ष के उपलक्ष्य पर 7 दिन का भागवत का सुंदर सेवा का अनुष्ठान हुआ है, तो आप सब बड़े ध्यान से श्रवण किए। इस संसार में हर कोई बोलना चाहता है ना, सबसे बड़ा तपस्या क्या है, जप करना, पर सब लोग गप करना चाहते हैं, गप करना चाहते हैं, गप करना। आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं यानी कि गप नहीं किए, बहुत ही कठिन काम आप किया। इसलिए भगवान जो है 2 काम देते हैं, ये बताने कि सुनना महत्वपूर्ण है, पर आप लोग
महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और बहुत बड़ा तत्व से चुप रहकर सुन भी रहे थे, बोलने का काम मैंने किया, बड़ा आसान काम कर दिया। तो इसलिए आप सब ने सेवा का मौका दिया, तपस्या किया, इसलिए सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। कहते हैं कि जो चौकी में बैठता है वो है चौकीदार और जो जमीन में बैठता है वो है जमींदार। तो बताइए चौकीदार बड़ा है या जमींदार बड़ा है? जमींदार बड़ा होता है और चौकीदार का काम होता है जमींदार का रक्षा करें। तो हम आप सबका दास है और ऐसे ही सेवा देते रहे कि हम जो है आप सबका सेवा में चौकीदार की तरह सबका भक्ति का रक्षा करें और भक्ति में सबका वर्धन करने का मौका दें।